इंडिया में शायद मैं सिंगल यूज़र ऐसा होऊंगा जो घर पर बुलेट को रिपेंट कर रहा हूँ। बुलेट पर लगभग सारे एक्सपेरिमेंट मैं कर चुका हूँ, छोटे बड़े सभी। ये भी एक मेरा अनोखा एक्सपेरिमेंट होगा। रॉयल इनफील्ड यूट्यूब पर होने वाले पॉपुलर सर्चों में से एक है और आज मेरा वीडियो रॉयल इनफील्ड को लेकर यूनिक होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं मेरे पास में ओल्ड मॉडल स्टैंडर्ड बुलेट है, तो इसका मैं आज रिस्टोरेशन का और रिनोवेशन का काम घर पर ही स्टार्ट करने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं रॉयल इनफील्ड के आज की यूनिक वीडियो में। मेरा आपसे एक अनुरोध है कि इस वीडियो की सीरीज़ को बिल्कुल भी आप स्किप मत करना, क्योंकि YouTube पर जितना मैंने पाया है रिस्टोरेशन को लेकर घर पर कभी किसी ने ऐसा कुछ कंटेंट डाला नहीं है कि उसने खुद से किया हो। तो यहाँ मैं रीपेंटिंग, क्रोमिंग और सारा जो जितना भी वर्क है खुद करने वाला हूँ। गाड़ी की ओपनिंग, फिटिंग, तो पूरी प्रोसेस को आपको दिखाऊंगा। इसका जो कंक्लूज़न है कि क्या ये घर पर संभव है, ये मैं लास्ट वीडियो में बताऊंगा। तो बिना देरी किए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको गाड़ी की डिटेल बता देता हूं कि इसमें मैं कौन कौन से काम का करना है, कहां कहां पर इसमें कलर रिपेंट की ज़रूरत है। तो अभी दोस्तों ये इस कंडीशन में है। आप देख सकते हैं कि इसके जो मडगार्ड्स का कलर है वो पूरा फेड हो चुका है। चेचिस लाइन जो है उसका भी कलर पूरा चेचिस लाइन है। ये जो एयर फिल्टर है, रेयर का जो मडगार्ड है उसके भी सब ये कलर निकल रहा है। ये नंबर प्लेट है, इसको भी रिस्टोर करना है। इंजन का जो है, इंजन में पूरा जो कलर है फेड हो चुका है। पफिंग खुद से करना है, और जहाँ जहाँ पे लगता है जैसे कि झूला है, स्टैंड है, ये छोटे मोटे जो छुटपुट आइटम है इनको खोल के और फिर से इसमें कलर करना है। तो इंजन, एक्चुअली मैं इंजन के बारे में बताऊँ तो इंजन इसको एज इट इज़ यहीं पे रखूँगा। चेचिस जो है इसको यहाँ से उठा के मैं जो काम है उसके लिए ले जाऊँगा, क्योंकि इंजन में कोई खोलना नहीं है। इंजन को एज इट इज़ यहीं रखना है और बाहर ही इसका कलर और बफिंग का काम मैं करूँगा, ताकि वो अच्छा क्लियर थोड़ा सा यहाँ मालूम पड़ जाए कि कहाँ कहाँ पे कैसा क्या हो रहा है। तो आगे का जो ड्रम है ये भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी सब पूरा कलर फेड हो चुका है, इसको भी थोड़ा रिस्टोर करना पड़ेगा प्लेट वगैरह खोल के। और एक और इसमें मॉडिफिकेशन ये करना है कि ओल्ड बुलेट में जो यहाँ पर हेडलाइट का स्विच आता था उसको मैं वापस अब इस स्थान पे लगाऊंगा, और इस स्विच को जो है नीचे की तरफ लगाऊंगा। ग्लास मैं यही रखने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों इसमें धोने का काम हम चालू करते हैं पहले। तो दोस्तों काम स्टार्ट करने से पहले इसको मैं एक बार वॉश करूँगा और जो पेंट रिमूवर है वो इंजन में डाल के जितना हो सकता है मैं यहाँ पे मैं इसको रिमूव करूँगा, क्योंकि पेंट रिमूव इसलिए करना है क्योंकि जब इंजन डाउन हो जाएगा तो फिर ये प्रोसेस करना थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगी। तो अभी मैं इसको फटाफट से गाड़ी की वॉशिंग और पेंट रिमूवर का काम चालू करता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको पहली प्रोसेस बताता हूँ शुरू करने के पहले कि हम जो है ये पेंट रिमूवर अभी क्यों यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली पेंट रिमूवर इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इंजन पूरा हमको खोलना नहीं है, इंजन पूरा अप टू डेट है, खाली ऊपर से उसको जो है उसकी बफिंग करना है और थोड़ा सा कलर जो है ये जो सिल्वर और ब्लैक लाइनिंग है, ब्लैक कलर है जो, इसको वापस से रिपेंट करना है। तो अभी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इसमें गाढ़ा हो रखा है, मैंने तीन चार बार उसके तीन चार लेयर लगा रखी है। तो इसको अभी हम पेंट रिमूवर से मैं इसको रिमूव करूँगा, उसके बाद में इसकी वॉशिंग करना ज़रूरी है। वॉशिंग तो हालांकि एक बार पार्ट्स खोलने के बाद में फिर होगी, लेकिन इंजन का जो कुछ चिकनाहट है और ये है तो ये थोड़ा सा इसमें अभी इस वॉशिंग से दूर हो जाएगा। तो ये होगी हमारी पहली प्रोसेस, इसको धोना और इंजन से पेंट रिमूव करना। तो यहाँ पर मैं पेंट रिमूवर एक अलग उसमें निकाल लेता हूँ, अभी इसका ज़्यादा काम नहीं है।
एक ब्रश लेंगे। दोस्तों पेंट रिमूवर लगाते समय भी ध्यान ये रखना होगा क्योंकि हमको टंकी के साथ में कोई छेड़खानी नहीं करना है। टंकी जो है ओरिजिनल है इसकी, तो कहीं गलती से टंकी पे उड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो खाली जो जिस स्थान पे हमको रिपेंट करना है केवल उसी पर हमको पेंट रिमूवर लगाना है। बड़ी अच्छी सावधानी रख के दोस्तों पेंट रिमूवर का यूज़ करते समय आँखों का और स्किन का हमेशा ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत स्किन को डैमेज करता है और यदि गलती से आँख वगैरह में चले गया तो इससे आँखों की रोशनी भी जा सकती है। तो इसलिए बिल्कुल सेफ्टी का हमको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली इसको लगा दें। तो दोस्तों पेंट रिमूवर मैंने जहाँ जहाँ पर मुझे लगाना था वहाँ मैंने लगा दिया है और इसका असर भी चालू हो गया है। अब इसको वॉशिंग करते हुए इसको मैं निकालने की प्रक्रिया चालू करूँगा। और भी कहीं लगेगा तो जैसे कि इंजन डाउन होने के बाद में भी फिर हल्का फुल्का कर सकता हूँ, लेकिन एक बार ये अच्छे से वॉश आउट हो जाए तो इतनी वहाँ पर फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो इसकी मैं वॉशिंग स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं इसको यहीं पे अभी बंद कर रहा हूँ और टाइम लैप्स को भी बंद कर रहा हूँ और गाड़ी वॉश करने के बाद में आपको मैं जहाँ अपन खोलेंगे वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ फिर। तो दोस्तों गाड़ी पूरी धुल चुकी है, इंजन पे जो हमने पेंट रिमूवर लगाया था वो लगभग पूरा जो है साफ कर दिया है अच्छे से, और बाकी का जो है वो मैं कलर करते टाइम उसको थोड़ा सा अच्छे से फिनिशिंग कर दूंगा। तो बस ये एक फॉर्मेलिटी थी इसको खोलने के पहले धोने की, और अब हम इसको खोलने का काम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मुझे इसका एक जो है स्टैंड बनाना होगा क्योंकि इंजन को अगर मैं नीचे रखूँगा तो फिर वो क्लच पे लोड आएगा और आड़ा तिरछा हो जाएगा। तो ऐसा कैसा इसको रखा रहने देना है, ऊपर से चेचिस उठाया और वापस इसी पे ला के फिट कर दिया। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा जगह का डिसाइड कर लेता हूँ कि किस जगह पे इसको खोलना है और फिर मैं मिलता हूँ आपसे। तो फाइनली दोस्तों यहीं पर मैं जो है गाड़ी की पूरी ओपनिंग का काम करूँगा और नीचे ईंटों से मैंने और ऊपर एक रबर कवर ताकि इंजन में कोई ऐसा डैमेज ना हो जब लोड आए, क्योंकि इंजन जो है हमारा यहीं की यहीं रहेगा। तो पूरा स्टैंड मैंने लगा दिया है, गाड़ी लगभग पूरी इस पर टिक चुकी है। तो बुलेट को खोलने का काम दोस्तों शुरू करते हैं। तो फाइनली दोस्तों 3 से 4 घंटे हो गए अकेले को खोलते खोलते,
और अभी भी जो है इतना बाकी है। बीच में और कोई आ भी जाता था, कुछ काम भी आ जाता था, तो बाकी का काम जो है मैं खोलने का कल करूँगा। तो आज का जो है इसको मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं कल दोस्तों। आज दूसरा दिन है और कल तकरीबन 4 घंटे से ज़्यादा मुझे लग गया था पूरी गाड़ी को खोलने में। और एक दो जगह पे दिक्कत आई थी फ्रंट के शॉकअप खोलने में और इंजन डाउन करने में। तो आज इसके जो कलर के पहले की जो घिसाई वगैरह का काम है वो मैं करूँगा और कोशिश करूँगा कि प्राइमर का फर्स्ट कोट आज शाम तक मैं इस पर लगा दूँ। तो इसकी जो सफाई है, क्लीनिंग है, जो पुराना कलर लगा हुआ है उसको निकालना है। तो टाइम वेस्ट, बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। ये इसकी चेसिस है और ये सामान, इसमें पूरा हम कलर में कवर नहीं करेंगे। ये इंजन को मैंने एज इट इज रख दिया है, इसी पे इसको बफिंग वगैरह करके इसको। तो ये है दोस्तों सामान, जिसको साफ करके और रिपेंट करना है बस। ज़्यादा जो ज़रूरी था डिक्की जो है उस पर मैं खाली क्लियर उड़ाऊँगा थोड़ा सा उसको फिनिश करके, और उसको वीडियो में कवर नहीं कर लूँ। जो दोनों डिक्कियाँ हैं उन पे खाली मैं क्लियर उड़ाऊँगा और वो शायद मैं वीडियो में कवर ना भी करूँ कर पाऊँ, क्योंकि रात में बैठ के करना पड़ेगा। तो बाकी ये जो ज़रूरी है दोनों मडगार्ड्स वगैरह इनको, ये अभी आप देख सकते हैं इसकी हालत क्या हो रही है। और ये चेसिस ले, तो सबसे पहले इसको केरोसिन से धो के, एक बार वापस से धो के इनका जो कलर निकालने का काम है वो मैं चालू करता हूँ। तो ये दोस्तों अभी मैंने पूरा केरोसिन से इसको साफ़ कर लिया है, जितना भी जो ऑयल वगैरह था। और अरे यार ये चेसिस लाइन रह गई साफ़ करना, चलो इसको मैं बाद में साफ़ करता हूँ और इसको साफ़ करके फिर मैं अगली प्रोसेस पे वीडियो शुरू करता हूँ। अभी पहले बता देता हूँ दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैंने केरोसिन से साफ़ करी है, इसमें से सारा जो था तेल ऑयल ये सब मैंने जो निकाल दी है। अब अगली प्रोसेस जो होगी इसको धोने की होगी, तो प्रेशर से मैं इसको धोऊंगा, उसके बाद में जो है रस्ट रिमूविंग का काम, ये सॉरी पेंट रिमूविंग का काम हम चालू करेंगे। तो ये दोस्तों है ना, ये नीचे जो मेन स्टैंड आता है उसकी जो प्लेटें हैं, तो ये देखो इनके हाल क्या हो रहे हैं। और ये जो इंजन प्लेट है इनको मैं, आप देखना मैं कैसे इसको कितने अच्छे से इसको रिस्टोर करता हूँ। वीडियो पूरा देखना दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है आगे। ये है ये जो ब्रेक है, ये भी टूट गई थी बीच में, जिसको मैंने ठोक पीट के सही किया था, तो इसको भी मैं बहुत अच्छे से रिपेयर करने वाला हूँ। तो फाइनली अब जो है कलर की सफाई का काम हम शुरू करेंगे। तो इसमें जैसे कि मडगार्ड है उसमें हम पेंट रिमूवर का यूज़ करेंगे, बाकी कुछ जगहों पर मैं ग्राइंडर मशीन से जो एक सरफेस क्लीनिंग करने वाले जो 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 भी मटेरियल है उसको मैं उससे क्लीन करूँगा। तो अब ये जो प्रोसेस है ये फाइनल कलर करने के पहले की प्रोसेस है, इसके बाद में जहाँ जहाँ पे थोड़ी बहुत जो पुट्टी है, मसाला है, वो काम भी हम इसी में पूरा करेंगे। और देखता हूँ या तो मैं बेस प्राइमर के बाद में उसको लगाऊँगा या फिर अभी भी कंडीशन देखने के बाद में मैं डिसाइड करूँगा कि कब उसको मसाला भरना है। तो फिलहाल दोस्तों मैं पेंट रिमूवर लगा देता हूँ मडगार्ड पे, और उसके बाद में जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसको मैं ग्राइंडर मशीन से, एक ब्रश है मेरे पास में आपको दिखा देता हूँ, ये एक पूरा किट है मेरे पास में,
तो इससे भी सरफेस अच्छे से क्लीन हो जाता है बगैर सैंड पेपर यूज़ किए। सैंड पेपर वाला पत्ता भी है मेरे पास में, सैंड पेपर भी है। जैसी जैसी जहाँ पे जो आवश्यकता लगती रहेगी वो मैं करूँगा। तो पहले मैं पेंट रिमूवर लगा देता हूँ। तो अभी ये चार आइटम पे मैं पेंट रिमूवर लगा रहा हूँ। पीछे की जो नंबर प्लेट है उस पर, दोनों मडगार्ड के ऊपर की साइड में, नीचे ठीक है, और ये एयर फिल्टर। ये पेंट रिमूवर लगा के मैं मिलता हूँ दोस्तों। तो दूसरा दिन ख़त्म होने को है दोस्तों, और आज पूरे दिन में इसकी जो कलर हटाने का काम था वो और इसकी साफ़ सफाई में ही निकल गया। उसके बाद में भी जो चेसिस लाइन है वो रह गई है, और एक बार जो फिनिशिंग है प्रेशर से जो धोना था, मेरे पास में जो पंप था वो डिस्चार्ज था, तो वो बाकी जो है हम कल करेंगे। बुलेट पर लगभग सारे एक्सपेरिमेंट मैं कर चुका हूँ, छोटे बड़े सभी सक्सेसफुल रहे हैं, और कुछ सक्सेसफुल से कुछ कम रहे हैं। इंडिया में शायद मैं सिंगल यूज़र ऐसा होऊंगा जो घर पर बुलेट को रिपेंट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, पार्ट वन में गाड़ी की खोलने का प्रोसेस और उसकी क्लीनिंग, कलर रिमूविंग, सरफेस क्लियर, ये सारा काम हमने किया है। अब अगले पार्ट में हम कलर का और पुट्टी का काम करेंगे। तो फिलहाल ये पार्ट मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मिलता हूँ आप सभी से अगले पार्ट में, और जो कलर के लिए जगह है वहाँ पर इसको मैं ले जाता हूँ, थोड़ी देर धूप में सुखाऊंगा, और फिर देखता हूँ आज या फिर कल मैं इसके कलर का काम शुरू करूँगा। तो मिलता हूँ दोस्तों आप सभी से अगले पार्ट में।